आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में गिवन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इन ग्रेफाइट और डाइहाइड्रोजन, हमें निकालनी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो पहले हम लिख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन वाली रिएक्शन, तो सी कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैसेस कंबाइन करके क्या बनाती है, एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैसेस बनाती है। तो हमें इस रिएक्शन की एंथैल्पी बतानी है। हमें गिवन क्या क्या है, हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन गिवन है। तो कंबशन ऑफ मीथेन हम कैसे करते हैं, CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस 2H2, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2O2 हमें गिवन है। और क्या गिवन है हमें, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट कार्बन सॉलिड प्लस O2 कंबशन करता है टू गिव CO2, ठीक है, ये गैसेस होते हैं हमारे पास। और हमें गिवन डाइहाइड्रोजन की कंबशन, तो हाइड्रोजन जो है आधे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाती है, वाटर बनाती है, ठीक, ये गैसेस और ये लिक्विड। तो हमें इन तीनों रिएक्शंस की एंथैल्पी गिवन है, हमें इसकी एंथैल्पी निकाल। तो हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन रिएक्शंस को इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि हमारे पास ये रिएक्शन बन जाए, और फिर उस रिएक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो हम उनकी एंथैल्पीज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर एक रिएक्शन है ए गिविंग बी और एक रिएक्शन है सी गिविंग डी, इसकी एंथैल्पी अगर ΔH1 है और इसकी एंथैल्पी हमारे पास ΔH2 है, तो ए प्लस सी गिविंग बी प्लस डी की एंथैल्पी क्या हो जाएगी हमारे पास, ΔH1 प्लस ΔH2। अब हमें रिएक्शन क्या बनानी है, सी प्लस 2H2 गिविंग CH4, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास सी होना चाहिए, तो हम इन रिएक्शन को नाम देते हैं जैसे ए बी सी, ठीक है। लेफ्ट साइड पर हमारे पास सी है तो हम क्या करेंगे बी, राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर हमारे पास 2H2 भी होना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2C कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 2O2 के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे लेफ्ट पे, जो कि हमें कैंसिल करने हैं, ठीक है। तो हमें राइट पे भी O2 चाहिए क्योंकि हमें इस रिएक्शन में लेफ्ट पे O2 चाहिए नहीं, तो हम इसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, ए वाली को हम क्या कर देंगे रिवर्स कर, मतलब ए को क्या करेंगे माइनस, तो इसकी जो एंथैल्पी है वो क्या होगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास रिएक्शन क्या आएगी, सी को हम ऐड कर रहे हैं इस वाले रिएक्शन को, इसके ट्वाइस से ऐड कर रहे हैं हम, तो सी सॉलिड प्लस 2H2 प्लस 2, एक ऑक्सीजन इससे आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऑक्सीजन इससे आएगा, तो 2O2 गिविंग यू, इसकी से CO2 आएगा, इससे क्या आएगा 2H2O। अब माइनस कर रहे हैं हम ये वाली रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस वाली रिएक्शन को पलट के लिख रहे हैं, मतलब CO2 प्लस H2O गिविंग CH4 प्लस 2O2 को हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 2O2 से ये 2O2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2H2 है तो ये 2H2 से ये 2H2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास CO2 के मॉलिक्यूल्स इसमें कितना है, एक है, और इस साइड में हमारे पास एक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ CH4, तो प्लस हो जाएगा CH4। तो ये आ गई हमारे पास वो रिएक्शन जो हमें चाहिए, तो इसकी एंथैल्पी हमें निकालनी है, तो इससे बनी है बी प्लस 2C माइनस ए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एंथैल्पी में बी की रिएक्शन की एंथैल्पी अगर मान ली ΔH2, इसकी मान ली ΔH1 और इसकी मान ली ΔH3, तो जो हमें एंथैल्पी निकालनी है ΔH इस वाली रिएक्शन की, ΔH ये किसकी इक्वल हो जाएगी, ΔH2 प्लस 2ΔH3 माइनस ΔH1। अब ΔH1 H2H3 की वैल्यू हमारे पास है इतनी इतनी और इतनी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ΔH हो जाएगा हमारे पास -393.5 प्लस 2 इंटू ΔH3 है हमारे पास -285.8 माइनस ΔH1 क्या है हमारे पास 890.3, तो ये हो जाएगा प्लस 890.3, ये सब आ जाएगा हमारे पास, ΔH आ जाएगी किलो जूल पर मोल में 74.8 किलो जूल पर मोल। तो ये आ गए हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की एंथैल्पी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।